काफी रात है और फॉग दिखने रहा है। चलिए कुछ नहीं, सुबह कर देते हैं। 1 2 3 सो हेलो एवरीवन, मैं हूं कन्हैया बरी और आपको बहुत ही ज्यादा स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आज जो है वो मैं एक ताल के पास आया हूँ। इससे पहले मैं आपको कुछ बताऊँ, चलिए मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो सुबह सुबह का टाइम है और अक्सर देखते हैं मुंबई में अगर कोई चीज़ लानी हो तो बाइक का इस्तेमाल ज़्यादा ही होती है मेरे से। लेकिन जब से मैं गाँव में आया हूँ तब रोज़ाना सुबह साइकिल से जाना होता है। एक हाथ से ब्लॉगिंग करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, काफ़ी अच्छा है, एक्सरसाइज भी हो जाती है ना, मज़ा आ जाता है दोनों चीज़ का, मज़ा भी और एक्सरसाइज भी। तो इस वक्त मैं आया हूँ मुजरी गांव में। जिस जगह हम रहते हैं वो थोड़ा सिटी टाइप है, लेकिन अभी आया हूँ करीबन 4-5-6 किलोमीटर दूर चल के। तो ये जो आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो, ये एक यहाँ पे कहा जाता है कि पोखरा है और इसमें बीज उत्पन्न करने वाला पोखरा है, मछली का बीज, मछली के बीज का। और बताओ सतपाल जी, आप ही बताओ, मैं बराबर बता नहीं पा रहा हूँ, क्या क्या है ये बताना। तो मछली का बीज निकालने वाला मछलियाँ भी, बड़ी भी मछलियाँ हैं, मछलियाँ हैं। तो बेचते हैं यहाँ से लोग मछलियाँ निकाल निकाल कर? हाँ, बेचते हैं बच्चे, वो बच्चा भी बेचते हैं। अच्छा, बड़ी मछलियाँ भी बेचते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे छोटी मछलियाँ भी बेची जाती है अगर आपको फिश टैंक में रखना, मजाक करो फिश टैंक में नहीं, मतलब और किसी पोखरे में डालना हो उसे जिलाकर फिर बाद में उसे लोग निकाले, तो ये वही जगह। आइए मैं आपको इसको पूरा मतलब एक अच्छा सा व्यू दिखाता हूँ। चलिए तो अंदर मछलियाँ हैं, आप देख सकते हैं, मैं कैसे दिखाऊँ, पानी तो हिल रहा है। अच्छा, मेंढक भी हैं, एक मछली वहाँ बेचारी मरी पड़ी हुई, लेकिन शायद कैमरे में ना दिखाई दे। तो देखिए कितना ज़बरदस्त, अब जाके थोड़ी सी सीत कम हुई है, मैं तो फिर सीत इतनी ज़्यादा थी कि मतलब क्या बताऊँ, कुछ दिख ही नहीं रहा था। बच चुके हैं दोपहर के 1 और कुछ कुछ मछलियाँ, देखिए ये मछली यहाँ पर है कैसे मरी पड़ी है बेचारी। अरे बहुत सारी मछलियाँ मरी पड़ी हैं, ऐसे कैसे? अच्छा, ये छोटे छोटे हैं, ब्लॉक ब्लॉक में लोग ने बनाया हुआ है। अच्छा, अलग अलग टाइप की हो सकते हैं मछलियाँ भी अंदर डाले हो कि ये इस टाइप की मछली? हाँ, इस टाइप की तो रोहू वाला एक अलग, विकेट। अच्छा, रोहू वाला अलग होगा, विकेट वाला अलग होगा। अच्छा, तो आप आगे अभी देख रहे हैं ना वहाँ पर, और आगे जो दिख रही है सबसे बड़ा ब्रैकेट इन्होंने बनाया हुआ है, कोई अच्छी मछलियाँ, बड़ी बड़ी मछलियाँ होंगी उसके अंदर शायद। इतना बड़ा है यार, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये जो है ये पोखरा जो है एक ब्रैकेट है बहुत बड़ा, इसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं, तो रोहू होगी, या फिर अगर यहाँ यूपी साइड का कोई है तो उसे पता चल जाएगा, विकेट होती है एक मछली, सिल्वर होती है, चाइना होती है। तो जितनी बड़ी बढ़िया बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं वो इसमें, वो एक फिश टैंक की तरह ये लोग करके रखते हैं ताकि वो थोड़ी बड़ी हो और फिर वो मार्केट में सेलिंग के काम आए। ये ब्रैकेट जो है इसमें सारी छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग जगहों पर गाँव में इस तरह से पोखरे बनाए हुए हैं और लोग इसे फिर आते हैं और यहाँ से बड़ी बड़ी मछलियाँ लेके आते हैं, फिर मार्केट में उसे सेल करते हैं। तो मुंबई में तो डायरेक्ट समुद्र से निकलती है, और जो यूपी में गोरखपुर में हमारे है मुजरी चौराहा पे, ये इस तरह से होता है, इस तरह से मछलियों की सेलिंग होती है। तो अब देखते हैं आगे, अगर कुछ और मिलता है तो ठीक है, वरना फिर मैं ब्लॉग यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वीडियो लास्ट तक का देखने के लिए। और मैं जाने वाला हूँ गोरखपुर नेक्स्ट कुछ एक हफ्तों में के बीच में मैं जाऊँगा गोरखपुर के सबसे अच्छे एक जगह पर, मैं आपको नाम नहीं बताऊँगा, वही उसी ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।